से काटेगी। सोफिया चलो क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, मेक अ विश, मेक अ विश। Celebrating it. This is my family. So let me show you the birthday girl and say hi. Hi. How are you? Fine. Fine. Apna introduction do. Kaise? Kaise? I am Siddhi. And I am Badi Phuppo's. Badi Phuppo's Phuppo. Okay. ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सलमान, सलमान चाचू। चले बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल। सिद्दीक बेटे एक सेकंड के लिए आना, एक सेकंड हो गया। सो हियर्स आवर बर्थडे गर्ल। कैसी है? कैसा लग रहा है आपको अपने बर्थडे वाले दिन? ऐसा लग रहा है तो ये देखिए जरा किस तरह से सारे के सारे बच्चे मिल गए हैं और आपस में लगे हुए हैं मस्तियां करने के लिए। सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन देते जाओ। जी सिद्दीक, सिद्दीक को आज शर्म आ रही है। ओके, ये हमारी सोफिया है। और आज ये क्या बनी हुई है? गैस। ओके, ये है सावल। सावल का भी एक चैनल है सावल शहबाज के नाम से। और ये क्या करते हैं सावल? आप क्या करते हो अपने चैनल पे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सावल और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। ओ तो अभी हम लोग जो है वो खाने पीने का शायद वेट कर रहे हैं। खाना खा के शायद हम लोग निकल जाएंगे अपने घर की तरफ, घर की ओर। मेरी भतीजी थी, भतीजे का है बर्थडे। 8 साल की हो जाएगी, 8 साल की हो गई माशाल्लाह। आप लोगों को बताना मुझे कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ में एंजॉय करना। कितना अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब भी मज़ा आ रहा होगा। तो मुझे ये भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। कह रही हूँ ना, जिसका नाम है जावा रेस्टोरेंट, जावा फैमिली रेस्टोरेंट। हाँ, जावा ब्रोस्ट कहलाता है ये। और ये है मिस्त्री शाह के इलाके शाद फैज़बाग, फैज़बाग मिस्त्री शाह ही है ना ये भी। हाँ, मिस्त्री शाह में है। और ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और फैमिली के लिए भी काफ़ी सारी स्पेस है। एज यू कैन सी यहाँ पर भी है एक साथ वाला हॉल है। और फिर उससे आगे वो जहाँ पर सीढ़ियाँ नज़र आ रही है उसके बैक साइड पर भी एक हॉल है जहाँ पे के प्राइवेट जो रूम्स हैं वो हैं, प्राइवेट कैबिन्स बने हुए हैं बेसिकली। तो जिनको प्राइवेसी का होता है इशू वो लोग वहाँ पे बैठ के इजीली अपना जो है डिनर लंच कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलता होगा क्योंकि ये इलाका ओला पड़ता है ना, जहाँ पे खाने वाने बड़े मशहूर होते हैं। वैसा ही है,
लेकिन यहाँ का खाना बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी खाना था और उनकी हॉस्टिंग भी बहुत अच्छी थी। तो आई विल रिकमेंड यू यहाँ पे ज़रूर आइएगा अगर आप लोगों को आना हो, कोई बर्थडे करनी हो, कोई पार्टी वगैरह करनी हो, तो अच्छा है इन लोगों का इंतज़ाम, ज़रूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी मैं ना व्लॉग का एंड करना भूल गई थी, अभी फ्लू भी काफ़ी हो रहा है और काफ़ी मज़ा आया मुझे फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो फैमिली के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करें वो अच्छा लगता है, अच्छा ही रहता है हमेशा, कभी भी रहें कहीं भी रहें, फैमिली ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो फैमिली के साथ एक बस आता है, बच्चे बड़ा खुश हुए एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को मिलकर, तो वो एक यादगार चीज़ थी, यादगार लम्हात थे। और ये कि एंड करना भूल गई थी मैं, एंड में चेंज कर लिया, अभी मुँह नहीं धोया, मैं मुँह धोऊँगी, 11 बज रहे हैं, थक गई हूँ, सुबह ऑफिस, देन फिर मार्केट गई, गिफ्ट्स वगैरह लिए और अभी वापस आई हूँ, बर्थडे पे गए, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने और अभी वापस आई हूँ, वापस आके बस अब सोने की तैयारी है, सो जाऊँगी मैं, फिर सुबह उठूँगी, पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग या मेरा कब मिलने का आप लोगों को देखने के लिए, लेकिन कोशिश करूँगी इसी तरह से बनाती रहूँ व्लॉग्स और टाइम की पाबंदी करती रहूँ, ना कर सकी तो बख्श दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरे का पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके अलावा आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। अगले व्लॉग तक के लिए शाजा सईद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।